और आ गए हैं अब नहर के पास। और ये बिल्कुल ही प्रातःकालीन समय है और मैं अपनी घड़ी की ओर देखूं तो बज रहे हैं लगभग 5:20 सुबह के। और बीच बीच में आप चिड़ियों की चहचहाहट, कलकल आवाज़ें, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये महुए की वृक्ष है और कुछ महुए भी इसमें गिरे पड़े हैं। पहले मैं आपको महुए की जो वृक्ष होते हैं उनको दिखा दूं। देख रहे हैं इनकी सुंदरता, ये प्रकृति का ये जो मनोरम दृश्य है बहुत कम ही देखने को मिलता है। और देखिए आकाश बिल्कुल स्वच्छ निरंकार, आप इसकी खूबसूरती का आनंद लीजिए। और बगल में कुछ गेहूं की फसलें हैं, कोयलों की कुकू की आवाज़ें भी आप सुन पा रहे हैं होंगे। और वो रही मेरी साइकिल, देखिए ये रही मेरी साइकिल। ये सुबह का समय है और रोशनी अभी अच्छी से नहीं हुई है। बेहद ही शांत, आमतौर पर इस सड़क पर बहुत ट्रैफिक का दबाव होता है, बहुत ही मात्रा में गाड़ियां इस पर दौड़ती हैं। हवा से बातें कर दिख तो नहीं रहे होंगे। ये देखिए कुछ गिरे पड़े हैं, ये देखिए, देख रहे हैं, ये देखिए आप, ये महुए की है, जो महुए की फल होते हैं, फल नहीं इसे फूल बोला, फूल। और इस आगे बताएंगे आपको इसके बारे में, इससे क्या बनता है और ये किस में उपयोग किया जाता है। तो आप देखिए जो हमारे मित्र बाहर के हैं जो महुए की विशेषता न जानते हों उन्हें मैं इसके बारे में ज़रूर बताने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद जब सवेरा हो जाएगा, एकदम से रोशनी स्पष्ट आने लगेगी, तब मिलते हैं, तब इस बात पर हम चर्चा करेंगे। तब तक वीडियोस के साथ बने रहिएगा। और बहुत आय मात्रा में गिरी पड़ी हुई हैं चारों तरफ। अब मैं चलता हूँ अपने साइकिल की ओर, बढ़ूँगा बाजार गंतव्य की ओर। ये रही, ये मेरे कुछ प्लास्टिक्स के बैग्स, कैरेट्स, और ये रहा साइकिल। चलते हैं जनाब साइकिल पर सवार, और मेरी साइकिल अब चल पड़ी है। और ये रहा मैं, दिख रहा हूँ, ये रहा मैं। तो ये सुबह का वातावरण था, मुझे लगा कि आप लोगों को दिखाना चाहिए था, इसका अनुभव बांटना चाहिए था। बगल में नहर है, आप देख पा रहे हैं बगल में तो नहर है। आज वीडियो कुछ बड़ा हो सकता है, तो पेशेंस बना के रखिएगा, धैर्य बना के। बहुत मज़ेदार और बहुत ही सुखद वीडियो बनेगा, और आप लोग को उम्मीद करते हैं जो बाहर के हमारे मित्र हैं उन्हें अच्छा लगेगा कुछ चहलकदमी करते हुए। एक्चुअली में सुबह का जो मौसम होता है वो बहुत ही ठीक है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, आएंगे इस बात पर। अभी चलते हैं, पत्ते गिरे पड़े हैं, ये वसंत ऋतु का आगमन का ये परिचायक होता है। अब तो खैर वैसाख आने को है, लेकिन नए पत्ते जो इसमें प्रफुल्लित लिए हैं
देखिए इनकी सुंदरता। जाने जाना शर्मा गए मेरा क्या होगा, ये सोचो जरा। हाँ हाँ हाय यूँ नजर ना मिला कीजिए, है मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ। तो पुनः आ गए हैं उसी जगह पर और सूरज निकल आया है और दिन चढ़ गया है। अभी घड़ी में बजे हैं 9 और उसी महुए तले हम फिर अवस्थित हैं। उसी महुए तले फिर हम अवस्थित हैं। आप महुए की कुछ फल को देख पा रहे होंगे, अभी भी हैं। ये रहा, देखें ये, और उधर कुछ कृषि कार्य का निष्पादन किया जा रहा है। कृषि कार्य चल रही है, गेहूं की कटाई। ये देखिए, देख पा रहे हैं, महिलाएं पुरुष अपने अपने खेतों में गेहूं की कटाई करते हुए। और इधर रही मेरी साइकिल, ये रही मेरी साइकिल। सब्जियां अब इसमें लत पड़ी हैं, भरी पड़ी हैं। और इधर कुछ टमाटर, टमाटर है, ये देखिए। दोस्तों तो ये पुलिस प्रशासन द्वारा, स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा ये लॉकडाउन करते हुए पूरी तरह रोड को बंद कर दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे बांस की बल्लियां और बांस के द्वारा इस सड़क को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया गया है, ताकि दोनों तरफ से बिल्कुल गाड़ियों का आवागमन ठप हो जाए। हालांकि ये ज़रूरी भी है, लॉकडाउन का तो यही औचित्य भी है, ताकि लोग अपने अपने घरों में रहें। और ये साइकिल रहा और इधर मैं रहा, और मैं जा रहा हूँ पुनः पीछे की तरफ जिस जहाँ से मैं आया था। देख रहे हैं ये, बस इधर ही जाऊंगा मैं पुनः। और ये रही मेरी साइकिल, पूरी तरह पुलिस प्रशासन द्वारा ये लॉकडाउन कर दिया गया है, सड़क को अवरुद्ध कर दिया गया है, ताकि गाड़ियों की आवागमन पूरी तरह बाधित हो जाए और लोग अपने अपने घरों में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा एक सराहनीय कदम। तो लॉकडाउन है, जाने का कोई रास्ता नहीं, मुझे पुनः वापस उसी दिशा में जाना होगा जिधर से मैं आया हूँ। तो चलते हैं उसी दिशा में पुनः। अभी तो मेरी टमाटरें नहीं बिकी हैं, एक कैरेट बिक गया था, लेकिन एक कैरेट अभी भी जस की तस। देख रहे हैं, एक जीवन जीविका चलाने की जद्दोजहद है। चला मैं उधर भी जहाँ से मैं आया था, पीछे की ओर चलते हैं, मुड़ते हैं पीछे। पीछे वाला हिस्सा
और आगे लॉकडाउन में ये बच्चे भी मछली पकड़ते हुए गरई ना मिल तो गर जाए वाला रास्ता वा।